हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज माधव की रसोई में क्या बन रहा है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। यह है एक कप बूरा जो चीनी को पीस के रखते हैं, ये वाला वो बूरा है। और इसको मैं छान रही हूँ। छान के इसमें जो भी रह जाता है ना मोटा मोटा, तो उसको मैं बिल्कुल निकाल दूँगी। इसको थोड़ा हाथों से प्रेस करके इसका जो जितना निकल सकता है उतना निकाल लें, बाकी को एक तरफ कर देंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी ये 3 चम्मच, जो अपना चावल खाने वाली चम्मच होती है, ये 3 चम्मच मक्खन है, जो घर का मक्खन बना होता है ना, ये वो वाला मक्खन है। और मैं फ्रेश मक्खन डाल रही हूँ इसके अंदर, बिना नमक का है ये। और इसको मैं इसमें, जैसे हम विप क्रीम को फेंटते हैं ना, वैसे ही इसको दोनों को मिक्स कर लूँगी, जिससे कि हमारे जो बिस्किट बनेंगे, कुकीज़ बनेंगी, वो बहुत अच्छी बनेंगी। तो इसको मैं इसमें अच्छे से फेंट लूँगी, जैसे हम विप क्रीम को फेंटते हैं। इसको बाहर रखा हुआ था, थोड़ा सा मेल्ट हो चुका था, और ये मेल्ट हो चुका है अच्छे से, इसमें मिक्स हो गया। देखो कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इसको उल्टा भी कर देंगे तो ये गिरेगा नहीं। और अब इसको हाथ से साफ करके, और इसमें अब मैं रखूँगी छलनी। छलनी में डालूँगी 1 कप मैदा, दो कप बेसन, 2 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच सूजी, और इनको सबको मैं छान लूँगी। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा खाना सोडा होता है ना अपने पास, उसको और डाल के, और इनको सबको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा इसके एक डो बना लूँगी। ऐसे हम इसको करके देखेंगे ना, तो हमारे जो बिस्किट बनाने का डो है, ये अच्छे से हाथ में मोटी बन गई है। तो मैं इसको इसमें डो बना के रख दूंगी, इकट्ठा करके इसको। बस इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद अपने ओटीजी में बना रही हूँ आज मैं, तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो। ये मैंने फ्रीट करने के लिए ओटीजी तैयार कर दिया, चालू कर दिया। और अब मैं बनाऊंगी बिस्किट। तो मैंने 1 चम्मच ली है, जिसकी सहायता से मैं ये बिस्किट बनाऊंगी, क्योंकि एक सार बनेंगे, इक्वल बनेंगे, इसके लिए मुझे ये चम्मच लेनी पड़ी है। तो बस एक सार बनाने के लिए अब ये हमारे बिस्किट बिल्कुल बराबर बने हैं। ये हमारा लास्ट वाला बिस्किट रह गया है। अब इसको मैं इसमें सारे को समेट के अच्छे से इकट्ठा करके इसमें, ये भी बराबर ही बनेगा। और अब मैं इसके ऊपर घर पे बनाई चोको चिप्स लगा रही हूँ। मैंने अपने घर पे
चोको चिप्स बनाई थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बस अब ये ओटीजी में रख दूंगी 20 मिनट के लिए, इसको मैं ओटीजी में रख दूंगी। तो बस 20 मिनट हो चुके हैं और मैं अब इसको ओटीजी से बाहर निकालूंगी। कपड़े से पकड़ के मैं इसको बाहर निकालूंगी, गर्म होता है। और ये देखो परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं हमारे बिस्किट। गर्म है तो मैं जैसे ही इसको हाथ लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ से बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हूँ कुरकुरे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज माधव की रसोई में क्या बन रहा है? भी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये हैं हमारे कुकीज बिस्किट और इसको मैं प्लेट में रखूँगी, ठंडे हो चुके हैं। बस अब हमारे बिस्किट हो गए तैयार और मैं एक कांच के बाउल में इसको रख दूंगी। जब चाय बनाएंगे शाम को तो उसके साथ हम ये लोग सब खाएंगे शेयर करके। तो आप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें घर पे बना के और उनको खिला सकते हैं। इसमें मैं जार में भर दूंगी। ये हमारा छोटा सा एक बाउल है और ये देखो इतने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं लगता, घर में सारा सामान होता है, आटा अपने घर पे होता है। इसको आटे से भी बना सकते हैं, मैं किसी दिन आटे से बनाऊंगी, बना चुकी हूँ पर फिर भी मैं एक बार बनाऊंगी। मैं घर पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना के रखती हूँ कि बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए मैं घर में चीज़ें बनाती रहती हूँ। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और जो घर में चोको चिप्स बनाई हैं, बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है जब घर पर चीज़ बन सकती है, तो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये हैं हमारे आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसको मैं रख दूंगी। और इसी के साथ सबको राधे राधे, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। पहले कैसे आ रहा था जो चीज़ है?
छोड़ जाओ।